एक्सपेंसिव कैमरास और डीएसएलआर को जब हम ऐसे ही कबर्ड में या बॉक्स में स्टोर करते हैं तो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमिडिटी की वजह से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं जो फंगस ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं जो लेंस की क्वालिटी को खराब करते हैं और इमेज क्लैरिटी को इफेक्ट करते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को झेला है एक बार नहीं 3-4 बार और एक टाइम का खर्च अराउंड 7,000-8,000 रुपए आता है। काश उस वक्त मुझे सोल्यूशन का पता होता तो मुझे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास भी किसी टाइप के एक्सपेंसिव गैजेट, एक्सपेंसिव वॉचेस या हार्ड ड्राइव्स या इम्पोर्टेंट पार्ट्स है तो उसे रखने के लिए आपके पास एक ड्राई कैबिनेट तो होना ही चाहिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं नो विद सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे खाने को स्टोर करने के लिए फ्रिज होता है वैसे एक्सपेंसिव कैमरास, लेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टोर करने के लिए ड्राई कैबिनेट होते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉइस्चर और फंगस जमा ना हो जाए। मुझे रेट में रीजनेबल और रिव्यू में अच्छा ये प्रोडक्ट मिला और मैंने ऑर्डर कर दिया। ये ऐसे सिक्योर पैकेजिंग में आया था। इसका वजन अप्रोक्स 6.5 किलो है और अनबॉक्सिंग में मुझे ऐसे 34 लीटर की कैपेसिटी वाला ये कैबिनेट मिला और इसे अटैच करने के लिए ये केबल। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हैं, किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं होती। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। ये कैबिनेट काफी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करते हैं वेरियस आइटम्स जैसे कि कैमरास, लेंसेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और अदर सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए। कैबिनेट में एक डिजिटल डिस्प्ले होती है जो इंटरनल टेम्परेचर को शो करता है। ये प्रिसाइज ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है जो आपके डिजायर्ड ह्यूमिडिटी लेवल सेट और मेंटेन करने देता है। ये मॉइस्चर रिलेटेड डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए सिग्निफिकेंट है। कैबिनेट पे एडजस्टेबल शेल्फ्स होती है जो डिफरेंट टाइप के साइजेस के आइटम्स को स्टोर करने के लिए वर्सटाइल बनाती है। इसके एयर टाइट डोर इंश्योर करते हैं कि इंटरनल एनवायरमेंट कंसिस्टेंट रहे और एक्सटर्नल एयर और मॉइस्चर अंदर ना आने पाए। आमतौर पर ये कैबिनेट साइलेंटली ऑपरेट करते हैं। ये एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन किया गया है जो ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है और वाइड रेंज ऑफ आइटम्स के लिए सूटेबल जो इसे होम, ऑफिस, स्टूडियो और लैब्स के लिए एक वर्सटाइल एडिशन बनाता है। अगर आपको लगता है कि इसका यूज सिर्फ कैमरा स्टोर करने के लिए है तो नहीं, आप इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं चलिए जानते हैं। इन कैबिनेट्स में कैमरास, लेंसेस, हार्ड ड्राइव्स, नेगेटिव्स और उन सब सेंसिटिव एक्सेसरीज को स्टोर किया जा सकता है जिन्हें फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स डैमेज और से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, एंटीक वॉचेस और गैजेट्स ट्राई कैबिनेट में कई सालों तक सेफ, सिक्योर और फंक्शनल रहते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट्स और टूल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, एंटीक्स और ज्वेलरीज एंड जेमस्टोन्स को टार्निश और करोजन से सेफ रखते हैं। ये पेपर मनी, स्टैम्प, कार्ड, फोटोज, कॉइन्स को डार्क सीलर की स्मेल से सुरक्षित रखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गिटार के स्मॉल हार्मोनिक्स और स्ट्रिंग्स को रस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। हिनीसो के ड्राई कैबिनेट में सेमी कंडक्टर कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो क्विक, क्वाइट, हीटलेस है और मॉइस्चर, मॉथ, मेल्ड्यू, रस्ट, डस्ट, मोल्ड, फंगस, रस्ट, ऑक्सीडेशन जैसे नुकसान से इलेक्ट्रॉनिक्स और कलेक्टेबल्स को बचाता है। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि मुझे इसका सर्विस सेंटर इंडिया में कहीं नहीं मिला। तो अगर ये कैबिनेट खराब हो गया तो कैसे ठीक करना है इसके बारे में मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जो लोग एसी फ्रिज रिपेयर करते हैं वो कर पाए। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो दोस्तों हिनीसो ड्राई कैबिनेट अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने कैमरास, लेंसेज और इलेक्ट्रॉनिक को मॉइस्चर और डैमेज से बचाना चाहते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।